जनपद अलीगढ़ में, पीएस गांधी पार्क गौरी नगर क्षेत्र में, 11 साल का एक बच्चे का मिसिंग हुआ था। 10 तारीख रात में लगभग 9 बजे वो घर के बता के गया था मोमोज खाने के लिए बाज़ार में, और रात से वापस वो बाज़ार से वापस नहीं लौटा। वो परिवारजन अपने स्वयं वो लोग ढूंढा था, अगले दिन 12-1 बजे तक पर स्वयं ढूंढा था, उन लोगों ने किसी की सूचना नहीं दी है। और अगले दिन 11 तारीख पुलिस स्टेशन गांधी पार्क में उनका परिवारजन आके सूचना दिया है हमारा बच्चे कल रात 9 बजे से घर से गायब, और उसके बाद तुरंत पुलिस संज्ञान में लेके तुरंत थानाध्यक्ष गांधी पार्क उनका परिवारजन से तारीख लेके FIR दर्ज किया है। क्राइम नंबर 442/20 अंडर सेक्शन 363 IPC में FIR दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद तुरंत पुलिस की टीम रवाना की और मोहल्ला में जाके कहाँ से आखिरी में देखा वहाँ पे पुलिस आसपास इलाके में ढूंढा है और परिवारजन से फोटो मांगा है, फोटो से आसपास लोग से पहचान करने के लिए, और आसपास CCTV पुलिस ने कोशिश किया है और कल 11 तारीख पूरा दिन ढूंढा है, नहीं मिल पाया। और अगले दिन 12 तारीख में आज का थाना PS क्वारसी में कैंपुर मोड़ है वहाँ पे एक डेड बॉडी सूचना मिली थी, वहाँ पे पुलिस गई, वहाँ पे उसके पहचान किया। बाद में जो बच्चे 11 साल के बच्चे का परिवारजन ने वहाँ मौके पर ले जाके पुलिस ने दिखा है, उन लोगों ने पहचान किया यह उनका बच्चा था, और तुरंत पुलिस ने उस शव का कब्जा में लेके और फोरेंसिक टीम वहाँ मौके पर जाके सभी एविडेंस कलेक्ट किए हैं। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए हमारी टीम ने भेज दिया मार्चरी के लिए, और पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम में पता चलेगी कास्ट ऑफ डेथ। अब उनका शरीर में एंटीमार्टम इंजरी कास्ट दिखाई नहीं पड़ा, वो 1.5 दिन का पुराना हो गया लास्ट, उस पर ज़्यादा कोई एविडेंस ऊपर पोस्टमार्टम एंटीमार्टम इंजरी का कोई एविडेंस दिखाई नहीं पड़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा बॉडी पुल के इसके वजह से दिखाई नहीं पड़ा, फिर भी पोस्टमार्टम में पता चल जाएगी कास्ट ऑफ डेथ। और उसका तुरंत हमने हमारा CO2 और CO3 दोनों लोग की टीम गठित करके उन लोग लगातार वहाँ पर सस्पेक्टेड लोग का पूछताछ कर रहा है। अब तक पुलिस ने 5 लोग के हिरासत मिले, जो लोग के साथ पुलिस आखिरी में जो बच्चे दिखाई पड़ा उनका 5 लोग है उस मोहल्ला में पुलिस ने ले आके थाना पर हिरासत में लेके इंट्रोगेशन कर रहा है, और हम जल्दी से जल्दी इस घटना का हमने शीघ्र अनावरण करेंगे और जो अपराधी सख्ती से सख्ती कड़ोर कार्रवाई करेंगे।